girls with their nails done now. सो हाई एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली मैंने एक हैजार्ड मॉड्यूल ऑर्डर करी है अपने डोमिनर के लिए, वो आ चुकी है और उसको खरीदने के लिए आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम रेस डायनेमिक्स फ्लैश एक्स। इसको मैं ऑलरेडी फिट कर चुका हूँ अपनी बाइक में और अनबॉक्स भी कर चुका हूँ, तो ये मॉड्यूल निकाल के लाया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये मॉडल खरीदने का रीज़न ये है कि ये प्लग इन प्ले है, और सिमटेक क्यों नहीं खरीदा मैंने उसका भी रीज़न है, क्योंकि सिमटेक के साथ टेल लैम्प इंटीग्रेशन का फंक्शन नहीं आता और उसको फिट करना बहुत हार्ड है, क्योंकि उसके लिए हेडलाइट खोलना पड़ता है पूरा, और इसको पिलियन सीट के नीचे फिट करना है जो कि बहुत आसान है। और अभी देखो आप जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपको पता लग जाएगा। और टेल लैम्प इंटीग्रेशन जो फंक्शन है वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है फ्लैशर, फ्लैश एक्स रेस डायनेमिक्स है। अब इसको कनेक्शन मैं करके दिखाता हूँ आपको। अभी इसकी पिलियन सीट खोलेंगे हम। मैं खोल दी, और जो इसमें ये रबर केस है इसमें से आपको कनेक्शंस लूज करने हैं, जो कि ये ग्रे वाला पिन है इसको निकालना है बाहर, ऐसे प्रेस करके पीछे से इसको खींचना है। इसके बाद ग्रीन वाला और रेड वाला मैंने आपको दिखा रहा हूँ खोल के, पर इसको खोलना नहीं है। जो रेड वाला सॉकेट है इसको नहीं खोलना है, इसको वापस आपने जोड़ देना, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब ये टेल लाइट जो वाइट वाला ये दिख रहा है कपलर, ये टेल लाइट के लिए, टेल लाइट इंटीग्रेशन जो फंक्शन है इसमें, इसको जो आपको वायर मिली है इसके साथ फ्लैशर के साथ उसमें अटैच कर देना है, कोई वायर नहीं काटनी है। इसके मेल और फीमेल कपलर्स में इसको अटैच कर देना है। अब ग्रे वाला खोल के आपको जो येल्लो वायर्स है ब्लैक वाले मॉड्यूल पे उसके साथ आपस में कनेक्ट कर देना है खोल के, ये मेल में ये फीमेल में। और जो ग्रीन वाला है इसको निकाल के ग्रीन वाली वायर के साथ, इसमें ग्रीन वाली वायर है उसके साथ अटैच कर देना, और ये फ्लैशर आपका कनेक्ट हो गया। अगर कनेक्शन सही है पूरे तो ये अभी फ्लैशर जो मैं लगाऊंगा अटैच करूंगा वो ब्लिंक करेगा जैसे ही मैं की ऑन करूंगा, के साथ चारों इंडिकेटर्स और टेल लाइट चलेगी, ये ब्लिंक कर रहा है, कनेक्शन बिल्कुल सही है। तो अब इसको ऑन करने के लिए आपको सिंपल करना है राइट लेफ्ट और राइट, और इसको बंद कर देना है इंडिकेटर्स को। ये फ्लैशर एक्टिवेट हो गया। अभी जो आपको टेल लाइट इसमें फ्लैश होती हुई दिख रही है यही इसका टेल लाइट इंटीग्रेशन का फंक्शन है। इसके अंदर 60 पैटर्न्स है और फ्लैश एक्स रेस डायनेमिक्स का प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, सिमटेक से काफ़ी बेटर है, आपको लेना चाहिए। ये वेरी यूज़फुल फीचर है रेनी सीजन्स में, और वैसे भी अच्छा ही लगता है रात को बाइक चलाते हुए। तो ये टेल लाइट जो ब्लिंक कर रही है ये इसका टेल लैम्प इंटीग्रेशन का फंक्शन है। अब इसको टर्न ऑफ करने के लिए सिंपल राइट टर्न राइट करना है और ऑफ कर देना है तो ये बंद हो जाएगा, और पैटर्न चेंज करना है आपको तो टर्न लेफ्ट करके इसको बंद कर देना है, पैटर्न चेंज हो जाएगा। मेमोरी रिकॉल का इसमें फंक्शन है, तो अगर आप ऐसी ही चाबी बंद कर दोगे तो वही पैटर्न लगेगा जो पहले लगा हुआ था आपका फेवरेट। अभी मेरा पर्सनल फेवरेट ये हो गया क्योंकि इसमें टेल लाइट भी ब्लिंक कर रही है। सो दिस वॉज द इंस्टॉलेशन, दिस वॉज द इंस्टॉलेशन वीडियो ऑफ द फ्लैश एक्स मॉड्यूल इन द डोमिनार। तो ये मॉड्यूल डोमिनार 2019 वर्जन में भी लग जाएगी, 2017-18 वर्जन सब में लग जाएगी, और डोमिनार 250 का मेरे को आइडिया नहीं है। तो इसके जो 60 पैटर्न्स है मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।